नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। हम में से और आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नौकरी की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं, पैसों के लिए या कहें कि जिम्मेदारियों के लिए परिवार से दूर तो रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही त्यौहार नज़दीक आते हैं सभी अपने घर लौटने के लिए बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि त्यौहार तो अपनों के साथ ही अच्छे लगते हैं और अधिकतर लोग जो है त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सभी अपने परिवारों से काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन में रेलवे में टिकट मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। काम करने वाले अपनी छुट्टी अप्रूव होने के बाद ही टिकट करवाते हैं, लेकिन तब तक टिकट खत्म हो जाते हैं और फेस्टिव सीजन में ट्रेन में सीट खत्म हो जाने की वजह से कई लोग जो है अपने घर नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार रेलवे ने हर किसी को कन्फर्म टिकट दिलवाने के लिए एक प्लान तैयार किया हुआ है और इस साल यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिले इसके लिए यात्री गाड़ियों में डिब्बों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से अब अधिक लोग जो है टिकट करवाकर अपने घर जा सकेंगे। भारतीय रेलवे ने इस बार जो है 56 जोड़ी ट्रेन्स में 115 डिब्बे बढ़ाई हैं और साथ ही फेस्टिवल सीजन में जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। फिर भी कई रूट्स ऐसे होते हैं जहां पर सीट लोगों को नहीं मिल पाती है या यूं कहें कि टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, और अगर आपको भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफ़र करना है और कंफर्म सीट नहीं मिल रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने ट्रेन अल्टरनेट अकोमोडेशन शुरू किया है। और अब ये ट्रेन जो अल्टरनेट अकोमोडेशन स्कीम क्या है सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और AI की मदद से ही ट्रेन के टिकट जो है आप बुक करवा सकते हैं। AI की सहायता से ट्रेन बुकिंग के प्रोसेस को ईजी करने के लिए ट्रेन अल्टरनेट अकोमोडेशन स्कीम की शुरुआत हुई है। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट बुक करता है और ATAS के ऑप्शन को चूज़ करता है तब उसे दूसरे ट्रेन में सीट कन्फर्म करने की सुविधा मिलती है, और अगर आप टिकट बुक करते समय सभी ट्रेन की सीट चेक करते हैं लेकिन किसी में कंफर्म सीट आपको नहीं दिखती है तो आपको मजबूरन वेटिंग टिकट लेनी पड़ती है और कई बार टिकट कैंसिल भी हो जाती है। ट्रेन अल्टरनेट अकोमोडेशन स्कीम में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर कोई पैसेंजर वेटिंग टिकट बुक करता है और ATAS के ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तब ये स्कीम उस रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेन में सीधे उपलब्ध करवाने में मदद करती है। आसान भाषा में अगर समझाएं तो आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उस समय सभी ट्रेन की सीट अवेलेबिलिटी जो है चेक करने के बाद किसी भी ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिलने पर ही किसी ट्रेन की वेटिंग टिकट लेते हैं। अब मान लीजिए आपके टिकट बुक करने के कुछ समय बाद दूसरे ट्रेन में कोई टिकट कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में ATAS आपको नोटिफिकेशन भेजकर इंफॉर्मेशन देगा कि उस ट्रेन में कंफर्म सीट अवेलेबल है। इस तरह आप अपनी वेटिंग टिकट को दूसरे ट्रेन में ट्रांसफ़र करके कंफर्म सीट पा सकते हैं। और कमाल की स्कीम है ये, उन पैसेंजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है जो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करते समय इस विकल्प का ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें 7 ट्रेन को सिलेक्ट करना है जो आपके रूट में चलती है। जिस ट्रेन में सीट बुक की है उसमें कन्फर्म सीट नहीं है तो दूसरी ट्रेन में आपको कन्फर्म सीट मिल जाएगी। ध्यान दें, ये ज़रूरी नहीं कि विकल्प योजना का ऑप्शन चुनने पर आपको कंफर्म सीट मिल ही जाएगी। अगर आपके द्वारा सिलेक्ट की गई 7 ट्रेनों में से किसी ट्रेन में कोई सीट अवेलेबल होती ही नहीं है तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर कोई सीट लास्ट में अवेलेबल हो जाती है तो आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। एक और तरीका है जिससे आपको कंफर्म सीट जो है वो मिल सकती है, वो तरीका ये है कि करंट ट्रेन टिकट का ये आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है। आपको बता दें कि ट्रेन खुलने से कुछ देर पहले भी आप कंफर्म सीट पा सकते हैं और ऐसा करंट टिकट बुकिंग के ज़रिए संभव है, और इस टिकट बुकिंग के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। अगर आप दीपावली या फिर छठ पर ट्रेन से घर जाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप कंफर्म टिकट पा सकते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे ने ट्रेन के अंदर कोई भी सीट खाली ना रह जाए और इसके लिए करंट टिकट बुकिंग सर्विस शुरू की है, और ट्रेन के खुलने से पहले करंट टिकट जारी किए जाते हैं। कई बार हमें ट्रेनों के AC
एसी या फिर स्लीपर कोचों में कुछ सीटें खाली दिखती हैं। दरअसल इन्हीं सीटों को भरने के लिए जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उन्हें कंफर्म टिकट मिले, इसके लिए इन सीट्स को करंट टिकट के माध्यम से इंडियन रेलवे की तरफ से बुक करने की सुविधा दी गई है। आप करंट टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ट्रेन के खुलने से 3-4 घंटे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे टिकट रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर से करंट टिकट की उपलब्धता को देख सकते हैं। आमतौर पर करंट टिकट की जो बुकिंग है ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले शुरू हो जाती है। आपको मालूम हो कि करंट टिकट ट्रेन में बर्थ खाली रहने पर ही मिलता है। आप इस टिकट को ट्रेन खुलने के 5-10 मिनट पहले तक बुक कर सकते हैं और करंट टिकट जो है वो नॉर्मल टिकट से थोड़ी सस्ती में भी आपको मिल सकती है। तो इस बार त्योहारी सीजन में अगर आपका भी मन है घर जाने का तो आप इन सारे विकल्पों से आराम से अपने टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके जो आने वाले त्योहारी सीजन में अपने घर जाना चाहते हैं और कंफर्म टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं।